गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर लाइक फादर लाइक डॉटर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशिमा वाज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। इट वाज विंडी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली। अच्छी आशिमा जो है वो विंडो होती है, खिड़की के पास बैठ के पढ़ रही है और अचानक से बहुत ही वहाँ से हवा आती है और उस हवा में थोड़ी सी डस्ट जो है हवा के साथ मिक्स होती है, तो उसको जो है छींकने स्टार्ट हो जाती है। उसके पेरेंट्स जो है वो वेजिटेबल सॉर्ट कर रहे थे किचन में, यानी कि सॉर्ट होता है कि वेजिटेबल जो है वो वन बाय वन लगा रहे थे। तो उसकी मम्मा कहती है कि ये पूरी बिल्कुल आपकी तरह छींकती है, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मैं सोच रही थी कि शायद आप वहां पर हो, क्योंकि उसकी आवाज़ और आपकी आवाज जो है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आशिमा स्नीज, आशिमा जो है वो छींकती बिल्कुल अपने पापा की तरह है, तो और उन्हीं की तरह उसकी आदतें हैं। तो आप मतलब अपने बारे में बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है आपके पेरेंट्स के साथ जो मतलब कि मिलती है, जैसे योर स्पेशल हैबिट और ट्रेट, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो बिल्कुल सिमिलर करती है आपके पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी जो है वो करनी है। उसके बाद बात हम करेंगे कि नीलिमा जो है वो अपनी नानी के घर जाती है स्कूल की छुट्टियों में, और वो अपनी नानी के घर में बैठी होती है तो अचानक से उसको देखती है कि कोई आया है। तो वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मा मौसी जो है वो आपसे मिलने आई है। जब उसकी माँ बाहर आती है तो वो कहती है कि नो दिस इज़ नॉट योर मौसी, ये आपकी मौसी नहीं है, ये आपकी बड़ी सिस्टर है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि ये आपकी बड़ी नानी की बेटी है और ये जो इनका छोटा सा बेटा है जो इन्होंने उठाया हुआ है ये नीलिमा का भाई है, तो इसका सॉरी कजन है। तो इसका मतलब इनफैक्ट यू आर क्यूट सन समीर मौसी, ये जो क्यूट बेटा है समीर, तो नीलिमा जो है वो इसकी मौसी है। तो वो अब कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी मतलब ये इतनी बड़ी दीदी है और ये मैं इतनी छोटी हूँ, और मैं मतलब कैसे इसकी मतलब जो है इसकी बहन लग सकती हूँ और ये मेरा जो है मैं मतलब कि मैं इसकी मौसी हूँ। तो कुछ मतलब ये होते हैं रिश्ते नाते मतलब कि होते हैं। अब आप भी कोई मतलब अब लगा लो जैसे कि कुछ एज से बड़ा हो या एज से कोई छोटा हो, तो मतलब कि ये मायने नहीं रखती है हमारे जो कहते हैं रिलेशन रिश्ते, वो मायने रखते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि कोई बड़ा छोटा जो है वो नहीं होता है। अब हाउ वी आर रिलेटेड, अब हम कैसे जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब नीलिमा जो है वो प्ले करती है समीर के साथ, उसकी मम्मी जो है आती है और कहती है कि देखो इसके जो हेयर है वे बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे कि थिक है, मोटे है, कर्ली और ब्लैक, तो ये बिल्कुल जो है आपकी तरह जो है, जैसे इसकी नानी के बाल थे वो बिल्कुल इसकी तरह है। तो मतलब कि जो किरण है वो कहती है कि हाँ नीलिमा वाज लिसनिंग टू ऑल दिस सी और सॉरी नीलिमा नानी लाफ्ड एंड सेड यस इट इज नॉट स्ट्रेंज वी सिस्टर हैड थिक कर्ली। हाँ, तो नीलिमा की नानी कहती है कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे पे ही गई है और देखो हमारे बाल भी जो है वो भी इसी तरह से है, तो जो आगे वाली जो हमारी सेकेंड जनरेशन है उनके बाल भी ऐसे हैं। तो ये सब जो है वो नोट कर रही होती है कौन, वही छोटी सी बेटी जो लड़की नीलिमा है, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मतलब कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, किस तरह से और ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुट हो रहे होते हैं। तो देखिए, डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक नानी, नाउ यू लुक सम स्पेशल ट्रेट ऑन योर सिस्टर और ब्रदर कजन लाइक द कलर। अब आप ये जो है यहाँ पर अपनी एक्टिविटी करोगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपकी मतलब कि आपकी नानी या आपके मतलब कि मदर फादर के साथ जो है वो मिलती जुलती है। ठीक है, जो सिमिलैरिटी जो मतलब एक जैसी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको ये लेसन समझ आया, ये अच्छे से करना, रीड करना। ओके, बाय।